29 जून की दोपहर 12:13 पर बुध ग्रह मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं रात को शनि ग्रह अपनी ही मूल त्रिकोणीय राशि में वक्रीय हो जाएंगे। शनि और बुध के कारण षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक योग बनने के कारण लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि और बुध के इस योग से बहुत सी राशियां प्रभावित होंगी। इन सभी की जानकारी करने के लिए हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित प्रतीक मिश्रपुरी से बातचीत की। उन्होंने शनि और बुध के इस योग को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। आने वाली जो 29 जून है, इसमें शनि जो है वो अपनी वक्र गति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर छोटे ग्रह जो है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, यदि ये ग्रह जो है अस्त होते हैं, उदय होते हैं, क्या कोई विशेष प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बृहस्पति जैसे ग्रह, शनि जैसे ग्रह यदि वक्र गति को प्राप्त होते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है। और ये वक्र गति के लिए जब प्रारंभ होंगे ये 29 तारीख को, इसकी समापन होगा 19 नवंबर 2024 को, अर्थात इस समय के लिए शनि वक्र गति को नहीं गति करते रहेंगे। सूत्र कहा गया है शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, अर्थात जब कोई शुभ ग्रह वक्र गति को प्राप्त होता है, बृहस्पति जैसा, शुक्र जैसा, तो महाशुभकारी हो जाता है। और जब कोई ग्रह क्रूर ग्रह, मंगल हुआ या फिर जो है शनि हुआ, जब ये क्रूर ग्रह जो है वक्र गति को प्राप्त होते हैं तो कहा जाता है ये महाक्रूर हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के ऊपर विशेष जो है नकारात्मक जो एनर्जी है उसको प्रभावित करते हैं। जो शनि जो ग्रह है विश्व रूप से, वो प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का ग्रह माना जाता है। दलित जो राजनीति है वो शनि पे डिपेंड करती है। इसके साथ साथ जो मौसम के ऊपर देखने का प्रभाव है वो शनि के द्वारा देखने में आता है। कहा जाता है कि जब शनि वक्री होते हैं और बरसात के मौसम में होते हैं तो काफी समय जो है वो बरसात के अंदर चेंजेस आते हैं, बहुत तेज बारिश आती है, आंधी के साथ चलती है, बादल फट जाते हैं, कई बातें देखने मिलती हैं, अकाल मृत्यु ज्यादा होती है, अर्थात इस समय लोगों को जो है बचकर जो है यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि नवंबर तक ही रहेंगे। कई कंट्रीज के अंदर जो है इलेक्शन भी होने हैं, अमेरिका के अंदर ही नवंबर के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो हो सकता है शनि जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो है वो ग्रह है और उसके अंदर जो है वो चेंज ला दे, कुछ अमेरिका के अंदर चेंज हो सकता है, दूसरे देशों में जहां पर ऑस्ट्रिया के अंदर इलेक्शन है और कई देशों में इलेक्शन है, वहां पर जो है सत्ता परिवर्तन का योग बनता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी का जो टेम्पल है, मंदिर है, उसे संसद वो बोलते हैं, वहां पर हमारे को काफी ऐसी उत्तेजना देखने को मिल सकती है, ऐसी जो बातें हैं वो सुनने को मिल सकती हैं, देखने को मिल सकती है जो आज से पहले ना हुई हो, अर्थात ये शनि जो है काफी परेशानी लेकर आएगा। इसी दिन जो है 29 तारीख को बुध भी अपनी राशि को परिवर्तन करके अपने पिता की राशि, चंद्रमा की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और शनि से और बुध से एक दूसरे से वो जो है षडाष्टक योग बनाएंगे, अर्थात बुध से शनि आठवें होंगे, शनि से बुध जो है वो छठे होंगे। जब बुध का और शनि का षडाष्टक योग होता है, एक बहुत चंचल ग्रह जल्दी चलने वाला, एक बहुत धीमा ग्रह जो है चलने वाला, जब इनका षडाष्टक योग बनता है तो व्यक्ति के कम्युनिकेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। इस जब तक ये बृहस्पति का जो इसका शनि का जब तक प्रभाव रहेगा तो व्यक्तियों के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर, वार्तालाप के अंदर बहुत ऊंच नीच देखने को मिलेगी। इसलिए जो है जिसकी कुंभ राशि है, जिसकी मिथुन राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, वो व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान रखें और संभल कर कदम उठाएं, ऐसा कोई कारण करें जिससे आपके जीवन में रिस्क हो सकता हो। इसमें जो है सूर्य की राशि भी कुंभ राशि और मकर राशि है, जिनका लग्न कुंभ और मकर लग्न है, जिनकी चंद्र राशि जो है वो मकर और कुंभ है, या जिनका लग्न जो है वो मिथुन और कन्या है, जिनकी जन्म राशि जो है कन्या तो वो मिथुन है, वो लोग थोड़ा विशेष रूप से सावधान रहें। और इसमें जो है विशेष रूप से जो कहा जाता है कि शनिवार को ही प्रारंभ होने वाला है ये, और ये जो पक्ष चल रहा है ये 13 दिन का पक्ष है, ये वही समय है जब महाभारत काल के अंदर 13 दिन का पक्ष पड़ा था, ये 5 जुलाई चलने वाला है, अर्थात 29 से 5 जुलाई का समय जो होगा वो विशेष कष्टकारी हो सकता है। इस वक्त जो है जो लोग जो है जो इस राशियों से पीड़ित हैं, जिनकी ये राशियां हैं, वो व्यक्ति जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेष रूप से शनि का दान करें और साथ में भैरव मंदिर जाएं, भैरव मंदिर जाकर वहां पर जो है भैरव का दिया जलाएं, उनको उसको लाभ मिले।